हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास सिक्स्थ में आपका सेशन चलने वाला है साइंस का। साइंस में आप लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। तो इस चैप्टर में शुरुआत में ही हमने बात करी थी, इस चैप्टर में हम लोगों का टारगेट क्या है। हम लोगों का टारगेट ये है कि हम लोगों को जो भी हम खाना खाते हैं उसके बारे में अच्छी तरह से समझना है। हम जो खाना खाते हैं उस खाने में कुछ ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, और उन चीजों की सहायता से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और अपने सभी कार्य सुचारू रूप से कर पाता है। तो हमने इस चैप्टर में ये जाना कि इस जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने में कुछ स्पेशल तरीके के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये जो पोषक तत्व हैं ये बहुत सारे होते हैं। मुख्य पोषक तत्वों की कैटेगरी में आपके भोजन में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। रुक्षांश और पानी भी हमारे भोज्य पदार्थों का एक हिस्सा है और आवश्यक है हमारे पाचन की प्रक्रिया के लिए। तो हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और फैट, ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलती हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज के बारे में जान लिया था और क्यों जरूरी है ये जान लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर इन न्यूट्रिएंट्स की, हमने संतुलित आहार के बारे में बात की बच्चों। संतुलित आहार का मतलब ऐसा भोजन जिस भोजन में आपके शरीर को जिस पोषक तत्व की जितनी मात्रा में जरूरत है उतनी मात्रा में वो पोषक तत्व आपको मिलता रहे, यही आपका संतुलित आहार होता है ना। तो संतुलित आहार ऐसा है, हम एक ऐसे साधारण तौर पे मानते हैं कि जितनी रंगीन आपकी थाली होगी उतना ही आपके शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर होगी। रंगीन थाली से मतलब है कि अलग अलग कलर की सब्जियां, अलग अलग कलर के खाद्य पदार्थ जो हैं उनमें अलग अलग प्रकार का पोषक तत्व पाया जाता है। सबसे ज्यादा हमारे भोजन में होता है कार्बोहाइड्रेट, जो 50% होता है, और कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है जो हमको एनर्जी भी देता है। फैट जो है, फैट भी हमें एनर्जी देता है, लेकिन अगर हम ज्यादा खाते हैं तो वो हमारे शरीर में मोटापे का कारण बनता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि खाना वो बहुत कम खाते हैं लेकिन फिर भी बहुत मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में फैट जो है वो ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ठीक है, तो हम लोगों ने पोषक तत्वों के बारे में जान लिया, कौन कौन सी चीजें अच्छी हैं जिनको हमें खाना चाहिए, यानी कि ऐसे कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं। देखिए बच्चों, पेट भरना और आपको पोषक तत्व लेना दोनों दो अलग बातें हैं। पेट भरने के लिए आप जंक फूड से, फास्ट फूड से भी अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन यदि हम बात करें कि हमें न्यूट्रिएंट्स लेने हैं तो न्यूट्रिएंट्स के लिए आपको अच्छा संतुलित और ताजा आहार ही लेना पड़ेगा। आपको चाउमीन खाने से या बर्गर खाने से आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इन पोषक तत्वों की कमी से होने वाले कुछ अभावजनित रोगों या डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में जानेंगे। विटामिन डी, जो आपकी स्किन सूर्य की रोशनी में खुद से बना सकता है, ये मिलता है आपको मिल्क में, येलो ऑफ एग, यानी कि आपके अंडे के अंदर का जो पीला भाग होता है उसमें, लिवर में, फिश लिवर ऑयल में, स्पेशली सनलाइट। क्यों लिखा हुआ है कि सूर्य की रोशनी में आपके शरीर में ऐसी काबिलियत होती है, ऐसी ताकत होती है कि वो विटामिन डी को खुद से बना लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य की उपस्थिति में पौधे अपने लिए खाना बना लेते हैं। तो हमारा शरीर खाना तो नहीं बना पाता लेकिन विटामिन डी हमारा शरीर अपने लिए बना लेता है। विटामिन डी क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए? उसमें स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए, यानी कि मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए।
मजबूत हड्डी और दांतों के लिए जरूरी है। अगर इसकी कमी हो विटामिन डी की, तो हमें रिकेट्स नाम का रोग हो सकता है, जिसमें क्या होते हैं कि हड्डियां जो हैं उनका कड़ापन कम हो जाता है, उनके अंदर थोड़ा वो मुलायम पड़ जाती हैं और इसलिए वो मुड़ जाती हैं। डिकेइंग टीथ होते हैं, वीक बोन्स होते हैं चिल्ड्रेन में, और ऑस्टियोमलेशिया होता है आपका एडल्ट्स में, बड़े लोगों में। उसके बाद हमने बात करी बच्चों विटामिन के की। विटामिन के जो है ये हमारी बड़ी आंतों में एक बैक्टीरिया के द्वारा बना लिया जाता है। ये आपको स्पिनेच, कैबेज, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है और गोभी के फूल में भी मिलता है। ये आपके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी विटामिन के यदि नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। और ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाने से क्या होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कहीं चोट लग गई तो खून लगातार बहता रहेगा, खून का थक्का जमने ही नहीं पाएगा, है ना, तो ब्लीडिंग की समस्या होती है विटामिन के की कमी से। डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। ऐसे रोग जो पोषक तत्वों की कमी के कारण हो जाते हैं उनको हम अभाव जनित रोग या डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। ऐसे रोग जो पोषक तत्वों की कमी के कारण हो जाते हैं उन्हें हम अभाव जनित रोग या डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। तो ये जो डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं बच्चों, ये अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। हमने कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है वो जान लिया है, तो अब हम कौन से केमिकल एलिमेंट की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है उसको भी जानेंगे। कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी कमी से, जिनको हम मिनरल्स कह सकते हैं, कुछ केमिकल एलिमेंट हैं जिनकी कमी से हमें अलग अलग रोग हो सकते हैं, है ना। तो वो जो केमिकल एलिमेंट है उसका क्या स्रोत है और उसकी क्या जरूरत है और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इन चीजों के बारे में हम जानेंगे। सोर्सेज यानी कि स्रोत और फंक्शंस यानी कि कार्य। और डेफिशिएंसी इफेक्ट या डिजीज यानी कि अभाव जनित रोग। रोग, अभाव जनित रोग। तो जैसे बच्चों कैल्शियम है, हमने बात करी थी कि कैल्शियम जो होता है कौन सा किस चीज में पाया जाता है, कैल्शियम आपका पाया जाता है दूध में, है ना। किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन किया था मुझसे कि कैल्शियम जो है कौन सा ऐसा खाना है मैम जिसको खाने से हमें सब चीज मिल सकती है। तब हमने बात करी थी कि दूध जो है, मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम संपूर्ण आहार, कंप्लीट फूड की कैटेगरी में रख सकते हैं, यानी कि उसमें आपको सारी चीजें जो बच्चों को जरूरत होती है ज्यादातर चीजें उसमें मिलती हैं। तो कैल्शियम आपको मिलता है पनीर में, कैल्शियम जो एक रासायनिक पदार्थ है जिसको हम मिनरल्स के रूप में, हमने कहा था ना कि हम जो हमारे जो मुख्य पोषक तत्व हैं उसमें मिनरल्स भी आते हैं यानी कि लवण भी आते हैं, तो उसमें केमिकल एलिमेंट के रूप में अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम आपको मिलता है पनीर खाने से। पनीर क्या होता है, दूध से बनने वाला प्रोडक्ट है पनीर, और पनीर में आपको कैल्शियम की मात्रा अच्छी मिलती है। फिर सबसे साधारण तरीका है आपको कैल्शियम की कमी को पूरा करते रहने का, वो है कि आप सभी क्लास 6 के बच्चे हैं तो कक्षा 6 के बच्चों को रोज सुबह शाम एक एक गिलास दूध पीना चाहिए। जो बच्चे पीना नहीं चाहते हैं और मम्मियाँ उनको पिलाना चाहती है, तो क्यों पिलाना चाहती हैं, क्योंकि माँ लोग ये चाहती हैं कि बच्चों की हड्डी मजबूत बनी रहे ताकि आप दौड़ के स्कूल जा सकें और वहां पे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने का सबसे आसान तरीका क्या है बच्चों, कि आप सुबह शाम दूध पी सकते हैं। दूध में बोर्न वीटा मिलाने की कोई रोक नहीं है, लेकिन आपको शरीर में दूध का ले जाना जरूरी है। अगर आप दूध पीते हैं तो कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। उसके फायदे क्या हैं, उससे आपके बोन्स एंड टीथ, आपकी हड्डियां और आपके दांत बहुत ज्यादा
मजबूत होते हैं। बोन एंड टीथ फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम का होना जरूरी है। आपके शरीर में अगर कहीं चोट लग जाए तो ब्लड क्लॉटिंग में भी उसकी जरूरत होती है। और मांसपेशियों की जो भी एक्टिविटी है, यानी कि जैसे हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ते समय हमारी मसल्स एक्टिव हो जाती हैं, तो दौड़ते समय मसल्स के एक्टिव होने से क्या होता है, हमें ये जरूरी है कि कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में ना होने पाए। तो कैल्शियम का स्रोत क्या क्या है, चीज, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसमें भी कुछ मात्रा में कैल्शियम होता है, दालों में भी थोड़ी मात्रा में कैल्शियम होता है, अंडों में भी होता है और मीट में भी। लेकिन अगर बच्चों को एकदम याद करना हो, कैल्शियम की संपूर्ण कमी को आपके शरीर में पूरा किया जा सकता है केवल और केवल दूध पीते रहने से। अगर आप केवल दूध पीते रहते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन एक पॉइंट को बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, कौन सी ऐसी चीज है आपके शरीर में, अगर वो ना हो तो कैल्शियम भी हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। या कैल्शियम, मान लीजिए आप दूध बहुत ज्यादा पीते हैं, दिन में 5 ग्लास दूध पीते हैं और आपको कमी है विटामिन डी की, तो आपका शरीर जो कैल्शियम आप ले रहे हैं दूध के रूप में उसको यूज नहीं कर पाएगा। तो कुछ ये जो मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स आपके शरीर में काम तभी करते हैं जब उन शर्तों को पूरा किया जाए। जैसे अगर आपको कैल्शियम की कमी को पूरा करना है तो दूध पीने के साथ साथ आपके शरीर में विटामिन डी का होना भी जरूरी है। तो विटामिन डी के बारे में हमने अभी चर्चा की थी कि विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। तो कैल्शियम की कमी से रिकेट्स नाम का रोग कैसे हो जाता है, क्योंकि आपके शरीर में अगर विटामिन डी कम है तो कैल्शियम आपकी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। जैसे होता है ना कि अगर हमारे पास मोटरसाइकिल है नहीं है तो हम 10 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते, है ना। तो यानी कि शर्त है, अगर हमें 10 किलोमीटर दूर पहुंचना है और हम 10 किलोमीटर दूर पहुंच सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसके लिए मोटरसाइकिल का होना जरूरी है या साइकिल का होना जरूरी है। इसी तरह से अगर आपके पास कैल्शियम है, आपके शरीर में आप कैल्शियम ले रहे हैं दूध के रूप में, पनीर के रूप में, अंडों के रूप में, लेकिन आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो आपका शरीर उस कैल्शियम को यूज ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कैल्शियम को यूज करने के लिए विटामिन डी संपूर्ण मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आपके शरीर में होना जरूरी है। कैल्शियम की कमी से क्या क्या अभावजनित रोग हो सकते हैं, कौन कौन सी डिफिशियंसी डिजीजेस हो सकती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। कैल्शियम की कमी से भी रिकेट्स नाम का रोग होगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो विटामिन डी की कमी से रोग हो रहा है, वही रोग कैल्शियम की कमी से भी हो रहा है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो रहा है और कैल्शियम की कमी से भी रिकेट्स हो रहा है। ब्रिटल बोन्स यानी कि जो हड्डियां हैं वो बहुत मजबूत नहीं रहेंगी, थोड़ा खोखली हो जाएंगी। अगर कहीं चोट लगती है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है कैल्शियम की कमी से, और बैड मसल मूवमेंट हो सकता है, यानी कि मांसपेशियों का जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छा नहीं होगा। तो कैल्शियम की कमी से होने वाली परेशानी के बारे में आई होप आप सभी जान गए होंगे। कैल्शियम जो है बच्चों, आपके शरीर के लिए, क्लासिक्स के बच्चों के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है इस उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि इस उम्र में हड्डियां जो है वो मजबूत होती हैं धीरे धीरे, और बच्चों की लंबाई बढ़ रही होती है, और बच्चों की लंबाई बढ़ने में बोन्स की लंबाई भी बढ़ती है। और इस समय पे अगर कैल्शियम आपके शरीर में पूरा ना हो, सही मात्रा में ना पहुंचे, तो आपका शरीर बहुत अच्छे से लंबा भी नहीं होगा, मजबूत भी नहीं होगा। और कैल्शियम आपका शरीर एब्जॉर्ब करता रहे उसके लिए आपके शरीर में विटामिन डी की कमी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कैल्शियम के बारे में आई होप आप सभी जान गए होंगे कि कैल्शियम आपको किस किस चीज में मिलता है, इसके कौन कौन से स्रोत हैं, और अगर आप कैल्शियम ले भी रहे हैं तो आपको विटामिन डी की कमी को भी साथ साथ पूरा करना होगा। मान लीजिए कोई अगर गिरा और उसका हाथ टूट गया तो इसका मतलब कि उसके शरीर में कैल्शियम की कमी है। लेकिन कैल्शियम की कमी, और अगर मान लीजिए वो बच्चा कह रहा है कि अरे मैं तो सुबह शाम दोनों टाइम दूध पीता हूँ, कैल्शियम की कमी कैसे है, तो इसका मतलब कि उसकी बॉडी में विटामिन
डी की कमी है। दूध तो पीता था लेकिन विटामिन डी के संपूर्ण प्रचुर मात्रा में ना होने के कारण क्या होता था, वो कैल्शियम उसका यूज नहीं हो पाता था, तो इसलिए उसकी हड्डियां जो है वो फ्रैक्चर हो गई। तो इसलिए कैल्शियम इम्पॉर्टेंट है, सारे बच्चों को सुबह शाम दूध पीना चाहिए, थोड़ी देर धूप में भी खेलना चाहिए, और लेकिन धूप ऐसी जो सुबह की धूप होती है उसमें थोड़ी देर खेलना चाहिए, ताकि आपके शरीर में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी की भी कमी ना होने पाए। नेक्स्ट एलिमेंट है बच्चों वो है फॉस्फोरस। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो आपको किन किन चीजों से मिल सकता है? फॉस्फोरस आपको मिल सकता है मछली से, अंडों से, मीट से, मिल्क, पनीर और आलू में भी फॉस्फोरस उचित मात्रा में पाया जाता है। इसका क्या कार्य है? ये बोन और टीथ के फॉर्मेशन में जरूरी है, यानी कि जो बच्चे क्लास सिक्स में होते हैं उनके पीछे वाले दांत भी निकलते हैं और उनकी हड्डियां भी इस समय पे मजबूत होनी चाहिए। तो हड्डियों का जो बनना है, हड्डियों के बनने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए फॉस्फोरस का होना हमारे शरीर में जरूरी है। हमारे शरीर में न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए फॉस्फोरस की जरूरत होती है, एनर्जी के लिए फॉस्फोरस की जरूरत होती है, एटीपी। आप बड़ी क्लास में पहुंचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो ऊर्जा है हमारे शरीर में एटीपी के रूप में होती है। एटीपी में जो पी वाला पार्ट है ये है फॉस्फेट और ये बनता है फॉस्फोरस से। तो हम ये बस इतना जानेंगे कि फॉस्फोरस की कमी होने से हमें ऊर्जा की कमी महसूस होगी, जिससे हम लंबी दौड़ नहीं लगा पाते, ठीक है। और फॉस्फोरस की कमी से क्या होता है, कौन सी अभावजनित रोग होते हैं, कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है? बैड बोन्स होते हैं, टीथ, बॉडी वीकनेस। बैड बोन्स यानी हड्डियां अच्छी नहीं होती और दांत और शरीर, इन सब में क्या होता है, कमजोरी आ जाती है, ठीक है। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जीजीआईसी अजबपुर, बेटा माइक ले लीजिए। जीजीआईसी अजबपुर, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग मैम। हेलो बेटा, जीजीआईसी अजबपुर, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैम। आपका क्या नाम है? मीनाक्षी प्रजापति। मीनाक्षी प्रजापति, आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा? आप कौन सी क्लास में हो? सिक्स क्लास में। सिक्स क्लास में आपका कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हूँ मैं? साइंस का कौन सा पार्ट पढ़ा रही हूँ? साइंस का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? पहला तो नहीं है। आपने पहले से, आप स्कूल कब से आने लगे? स्कूल नहीं आ रहे थे क्या? दूसरा पार्ट चल रहा है। अच्छा, आज आपने क्या पढ़ा? आज हम क्या पढ़ रहे हैं मीनाक्षी, बताइए। साइंस तो पढ़ रहे हैं, पर साइंस में क्या पढ़ रहे हैं? कैल्शियम किस किस चीज में मिलता है और कैल्शियम का हमारे शरीर में क्या जरूरत है और उसकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली लाइन पे रीडिंग करेंगे बच्चों। मीनाक्षी, ये वाली लाइन पढ़ेंगे, कैल्शियम आपको कहाँ कहाँ मिलता है, इस वाली लाइन में रीडिंग करेंगे। यहाँ पे ये कैल्शियम आपको कहाँ कहाँ मिलता है, कौन कौन सी चीज में? माय नेम इज काजल। काजल, मीनाक्षी को क्या हुआ? मीनाक्षी डर गई? डरना नहीं है मीनाक्षी। चलो काजल, आप ये लाइन पढ़ो बेटा। सोर्सेस वाली आप बात करना चाहते थे? हाँ, चीज, मिल्क, ग्रीन लीफ, वेजिटेबल, पर्ल्स, एग और मीट। हाँ, तो समझ में आया ये क्या, ये क्या क्या चीजें हैं? चीज मतलब, चीज मतलब क्या हुआ? पनीर। चीज मतलब पनीर, वेरी गुड काजल। मिल्क का मतलब दूध। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां। पल्सेस का मतलब दालों में भी कैल्शियम पाया जाता है, अंडों में भी कैल्शियम पाया जाता है और मीट में भी कैल्शियम पाया जाता है। अब हमने एक शर्त के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात करी,
कि मान लीजिए एक एक परिस्थिति देती हूँ, मान लो काजल या मीनाक्षी हैं, मीनाक्षी की मम्मी सुबह शाम दोनों टाइम उसको दूध पिलाती हैं, ठीक है, एक एक ग्लास, लेकिन फिर भी काजल या मीनाक्षी गिरे और हड्डी में कहीं फ्रैक्चर आ गया, क्या कारण रहा होगा कि उसकी हड्डी में चोट लग गई? वो दूध पीती है दोनों टाइम, फिर भी हड्डी मजबूत नहीं है, क्या रीजन रहा होगा उसका, क्या कारण है? इसके बारे में हमने बात करी। मीनाक्षी, काजल, बताओ बेटा। काजल, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यस पूरी मैम, क्लास से पूछ रही हूँ, सभी बच्चों से पूछ रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे उस क्वेश्चन को, है ना? मैं ये कह रही हूँ कि मान लो एक कंडीशन है, एक परिस्थिति ऐसी है कि काजल मीनाक्षी लोग दूध पीते हैं पूरा, जितनी जरूरत है 2 ग्लास दूध पूरे दिन में पी लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी हड्डियां मजबूत नहीं हुई, उनकी हड्डियों में कहीं गिरे तो चोट लग गई, हड्डियां टूट भी गई, तो क्या ऐसा रीजन रहा होगा कि कैल्शियम तो वो ले रहे थे उसके बावजूद भी उनकी हड्डी टूटी, कारण क्या रहा होगा? अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको ये चीज बताई है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। मतलब कैल्शियम तो आप ले रहे थे दूध के रूप में, लेकिन क्या ऐसी कमी रही होगी शरीर में कि कैल्शियम जो है वो यूज नहीं कर पा रहा था हमारे शरीर, इसलिए हमारी हड्डियां कमजोर थी और टूट गई, क्या चीज ऐसी कमी रही होगी? काजल सोच के बताओ, कैल्शियम को यूज नहीं कर पाया होगा हमारा शरीर ना, लेकिन क्यों, क्या यस मैम, चीज की कमी रही होगी इसलिए कैल्शियम यूज नहीं हो पाया? अच्छा, अभी आप अभी क्लास में थे 5 मिनट पहले, तो 5 मिनट पहले मैं आपको यही तो बता रही थी, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत होती है जब आप क्लास में बैठते हो काजल मीनाक्षी, तो जब मैम पढ़ा रही होती हैं तो बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत होती है बेटा। आप अभी छोटी क्लास में हो और आपको आगे बहुत ऐसे, अभी तो बहुत सरल पढ़ाया जा रहा है, बाद में आपको कठिन पढ़ाई हो जाएगी, आप अगर विज्ञान विषय को लेके आगे पढ़ोगे तो पढ़ाई थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कठिन होती जाती है, तो बहुत केवल एक काम करना है आपको, क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा हो बहुत ध्यान दे के पढ़ना है, एक एक शब्द पे ध्यान देना है, मैं आपको ये समझा रही थी। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, आपका क्या नाम है बेटा? नमन, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैम आपको क्या पढ़ा रही हैं? आप क्लास 6th में हैं? मैम 8th में। 8th में? अच्छा, तब तो आपको ये पहले से आना चाहिए। अच्छा, 8th क्लास में हो, क्लास 6th के भी बच्चे हैं इसमें? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका क्या नाम है? शिक्षित। शिक्षित, ये बताओ कि आप क्लास 6th में ही हैं, आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं साइंस का? साइंस का सेकंड। चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, आपको ये पता है कि आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। शिक्षित, ये बताओ कि मैम अभी आपको पढ़ा रही थी, और सभी स्कूल के बच्चे बहुत ध्यान से इस चीज को सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मीनाक्षी और काजल ने भी नहीं सुनी थी ध्यान से, जीजीआईसी अजबपुर ने, तो वो भी ध्यान से इस बात को सुनेंगे। ये वाला जो बॉक्स है, ब्लॉक्स नंबर 1, इसमें हमने बात करी कैल्शियम के बारे में। शिक्षित और नमन को मैंने इसलिए बैठा दिया क्योंकि नमन को पहले से पता रहा होगा, क्योंकि वो क्लास 6th में नहीं है, क्लास 8th में, इसलिए मैंने शिक्षित को खड़ा किया। शिक्षित, कैल्शियम जो है वो हमारे शरीर में हम पा सकते हैं अगर हम पनीर खाएं, अगर हम दूध पिए। शिक्षित आराम से बैठ जाओ बेटा। हम अगर पनीर खाएं, हम अगर दूध पिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाते रहें, अंडे खाएं, मीट खाएं, और दालों में भी कुछ मात्रा में कैल्शियम होता है, तो हमारे शरीर में हमारी हड्डियां और हमारे दांत जो बनने की उनकी प्रक्रिया है मजबूत होते हैं और अच्छे होते हैं, हमारी मांसपेशियों के एक्टिविटी भी, यानी हम दौड़ लगा सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। उनकी कमी से हमें रिकेट्स नाम का रोग हो सकता है, उसकी कमी से हमारी हड्डियां मजबूत नहीं रहेंगी, हमारी जो मसल मूवमेंट है, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत नहीं रहेंगी। लेकिन अगर एक कंडीशन मैंने आपसे पूछी, सभी स्कूल के बच्चों से ये पूछ रही हूँ, अगर किसी बच्चे को आता है तो वो हाथ खड़े करेगा, अगर शिक्षित की मम्मी शिक्षित को सुबह शाम दोनों टाइम एक एक ग्लास दूध देती हैं, मतलब उसके शरीर में कैल्शियम पूरा कर रही है उसकी मम्मी, फिर भी वो गिरा और उसकी हड्डी में चोट लग गई,
तो क्या कारण रहा होगा कि उसकी हड्डी कमजोर रह गई कैल्शियम देने के बावजूद भी। आज जीजीआईसी अजबपुर और जीआईसी गनई के बच्चों से बात हुई और बच्चों को ये चीज मैंने बताई कि अगर एक परिस्थिति दी मैंने उनको कि मान लीजिए सुबह शाम वो दूध पीते हैं तो कैल्शियम की कमी को तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपकी हड्डी में अगर कोई परेशानी आती है तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में कैल्शियम तो आपने लिया लेकिन विटामिन डी की कमी रही होगी, इसलिए कैल्शियम आपके शरीर में अवशोषित नहीं हो पाया, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। इसका मतलब आपके शरीर ने कैल्शियम को लिया तो लेकिन यूज नहीं कर पाया। आज की क्लास में इतना ही। आज के सेशन में सब बच्चों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और ध्यान से पढ़ने के लिए धन्यवाद। और आशा करती हूँ कि अगले सेशन में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं बच्चों जो आप ध्यान से नहीं सुनते हैं तो आपके दिमाग से मिस हो जाती है, और वही इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको जानने के लिए आपको आवाज पर भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।